दिल्ली कानपुर जीटी रोड पर घिलोई के पास आमने सामने भिड़ंत के बाद ट्रक और स्लीपर बस में आग लग जाने से दोनों ही वाहन धू धू कर जल उठे। बस में करीब 45 यात्री सवार थे, इनमें से तत्काल 21 को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक 20 लोगों के जलकर मरने की आशंका है। बस में 45 से अधिक यात्रियों के सवार होने की खबर है। शुक्रवार देर रात 11:15 बजे आग पर काबू पाया जा सका। वहीं कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि मृतकों की निश्चित संख्या डीएनए टेस्ट से ही पता चल पाएगी। ये बस जाते समय आमने सामने की टक्कर हुई है एक ट्रक से, जिससे बस में आग लग गई है और ट्रक में भी आग लगी है। 25 यात्री इस दुर्घटना में सुरक्षित बचा लिए गए हैं। इसमें से 12 लोगों का तिरवा मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है, 11 लोगों का यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ये सभी लोग खतरे से बाहर हैं। 2 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं थी, उनको घर पहुँचा दिया गया है। इस प्रकार से 25 सवारियाँ पूरी तरह से सुरक्षित बचा ली गई हैं। इसके अलावा जो करीब 18 से 20 लोग सवारियाँ, उनके बारे में वो मिसिंग हैं और हो सकता है कि उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो डेड बॉडीज हैं वो आग लगने से इतनी ज़्यादा वो उनकी हड्डियां जो हैं बिखर गई हैं। इसलिए डीएनए टेस्ट के बाद ही ये क्लियर होगा कि कुल कितने व्यक्ति इस दुर्घटना में मृत हुए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों, जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50,000 रुपए सहायता की देने की भी निर्णय लिया है। जो घायल हैं उन सब को उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं और इस पूरे घटना का ब्यौरा हम लोगों ने प्रशासन से, जिलाधिकारी से मांगा है। हादसे में तकरीबन 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पुलिस के मुताबिक बस और ट्रक में से किसी एक में कोई ज्वलनशील पदार्थ मौजूद था, जिससे धमाके के साथ आग लगी। खबर मिलते ही मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू करवा दिया गया। बस में 45 सवारियां थी, जिसमें 2 स्टाफ के लोग भी शामिल थे। करीब 12 से 15 यात्रियों ने बस का शीशा तोड़कर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। इतने भीषण हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।